आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत्यु महाअमृत यूनिवर्सिटी की एक पाठशाला, वन ऑफ द स्कूल इज द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को स्वास्थ्य की जो समझ है वो देना। मैं बात करने जा रहा हूं आज तीसरा दिन डायबिटीज रोग का उपचार। डायबिटीज का उपचार क्या हो सकता है? डायबिटीज का अर्थ है ब्लड शुगर का बढ़ना, जो जरूरत है उससे ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाना शरीर में। और जो हमारी नासमझी है वो ये है, एक तो उम्र के साथ साथ जो देखने की बात है हमारे भीतर देखने की, जो परिचित होना है हमें अंतर जगत का, जो दर्शन करने की कला है, देखते जाना शरीर की तरंग है उसे देखते जाना, विचारों को देखते जाना, भाव की तरंगों को देखते जाना, ये जरूरी इसलिए है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर की यात्रा आगे जाती है, शरीर बिखरने की दिशा में जा रहा है। समझो मृत्यु का अर्थ है बिखरना। एक बार शरीर का जन्म हो गया, फिर जो शरीर की यात्रा हो रही है वो बिखरने की ओर जा रही है, विस्तार है, हम विस्तार की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसे मैं कहता हूं महाजीवन, महाजीवन की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की उम्र बढ़ती है, सच में शरीर की इस तरह की जरूरियात नहीं है, हम आदतवश हो गए हैं, हैबिट काम करती है, हमारे ऊपर आदत काम करती है। कल जो मैं निंजा के उदाहरण से समझा रहा था कि अगर तुम ठीक से काम करो तुम आदत से ऊपर आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आदत मन का लक्षण है, मन का लक्षण,
और समझना है, मन को ठीक से समझना है कि चिंता है तो चिंता बहुत गहराई में है। आज के दिन में जो दुख है वो आज का दुख नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूं ये आज का दुख नहीं है। आज के जीवन में अगर पीड़ा है, आज के दिन में पीड़ा है, आज के दिन में संताप है, तो ये दुख संताप वो है जो आज तक तुमने जाने नहीं, तुमने समझे ही नहीं, ये पड़े रहे अंदर, पड़े रहे और बढ़ते रहे बढ़ते रहे, कांटों के पेड़ बढ़ते रहे। हमारा जो जीवन का बगीचा है उसमें कांटों के पेड़, बावड़ के पेड़ बढ़ते रहे, भीतर दुख पीड़ा संताप बढ़ता ही रहा और हम भागते रहे, कंटाड़ा बढ़ता रहा। जो आज कंटाड़ा तुम्हें आ रहा है या जीवन बोझ बोझ लगता है वो आज का नहीं है, वो ये है जो तुमने अभी तक न जाना न उसे पार किया। इसलिए मैं कहता हूं हर दिन की चिंता, हर दिन की चिंता को समझो। अब ये भूल नहीं करना है, अब दुख से बायपास नहीं होना है। तुम भाग्यशाली हो कि अभी तुम्हारे शरीर में ताकत है, अभी तुम्हारे में सुनने की क्षमता है। तुम देखना लोग उस उम्र तक पहुंच जाते कि कुछ कहना चाहते हैं, उसे मार्गदर्शित करना चाहते हैं, वो शब्द पकड़ ही नहीं सकते, कान गए। तुम्हारे पास कान है, अभी अभी तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि तुम चाहो इतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। तो समझना है जो मैं कहता हूं, रोज की रोज चिंता रात को सोने से पहले पूरी बिखरनी चाहिए, पूरी बिखरनी चाहिए, वो साथ में नहीं चाहिए। जो आज पीड़ा आएगी, जो दुख आएगा, जो संताप लगेगा, जो हताशा आएगी, जो निराशा आएगी बाहर, ये आज की नहीं है, ये बहुत डीप है, बहुत डीप, एकदम अंदर 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 भाव शरीर के अंदर अंदर, जो मैं तुम्हें कहता हूं नाचने का, झूमने का, गाने का। इसलिए कहता हूं बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय जिससे भावात्मक जो नकारात्मक विद्युत का बोझ है हमारे ऊपर, उसे हृदय में से बाहर निकाल देना है। वो धुआं ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो धुआं खोपड़ी तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम समझने जा रहे हैं डायबिटीज का उपचार। शरीर में शुगर की जो जरूरियात है उससे शुगर बढ़ जाती है, उसका कारण है कि एक तो हम अप्राकृतिक शुगर जो शर्करा खांड और गुड़ के रूप में उपलब्ध है उसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, दूसरा हम इस तरह की आइटम खा रहे हैं, ये भी डायबिटीज में डायबिटीज पैदा करने के लिए एक जिम्मेवार परिबल है, फैक्टर है। जो मैदा आज लोग खा रहे हैं, मैदा मैदा है आंत की मूवमेंट को स्लगिस करता है, आंत की मूवमेंट को रोकता है। और हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को इतने तक कि मुझे जो मेरे पहचान वाले उसे मैं कहता रहा कि आपको कुत्तों के प्रति इतना प्रेम है, बहुत अच्छी बात है कि चलो आप प्राणियों से प्रेम करते हो, पंछियों से प्रेम करते हो, लेकिन उसे अप्राकृतिक चीजें मत दो, उसे बिस्किट मत खिलाओ, कुत्तों को बिस्किट मत खिलाओ, तुम नहीं जानते जीवन की यात्रा क्या है। आगे मैं बताता हूं स्पिरिचुअल साइंस में ये बात बताता हूं पूरी डिटेल से, लेकिन अभी कहता हूं समझ लो कि कुत्ता है, तुमने बिस्किट दिया, उसे बिस्किट देते रहे बिस्किट देते रहे, और वो बिस्किट पर आधारित हो गया। अब जब वो मनुष्य योनि में आएगा, जब पहला जन्म लेगा, उसका आंत है वो रोटी को नफरत करेगा, रोटी को वो नहीं छुएगा। जो गेहूं है उसका अपना एक फाइबर है गेहूं का, और उसमें न्यूट्रिएंट्स है गेहूं के, जो शरीर के लिए जरूरियात है, जो शरीर की जरूरियात है, जो अभाव होता है, शक्ति का अभाव होता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स उसे परिपूर्ण करते हैं, ताकत देते हैं, शरीर को ताकत देते हैं। अब जो कुत्ते की योनि थी उसमें भी उसने वो प्राप्त न की, वो ताकत प्राप्त न की, और वो जब मनुष्य योनि में आएगा उसका प्रथम ही जन्म होगा, वहां से गलत रास्ते पर चला जाएगा, पेट की बीमारी चालू, क्योंकि जो मैदा है
बिस्किट है जो हम बच्चों को खिलाते हैं, और बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चों के शरीर में जब वो खेलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, शुगर की कमी हो जाती है, तो वो मांगते हैं, वो शुगर मांग रहे हैं। अब तुमने पहले से उसे ऐसी आदत डाली है, क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं कि किस माँ बाप को पता ही नहीं, और बच्चा हो गया, क्या मार्गदर्शन है ही नहीं मनुष्य के पास कि किस तरह से बच्चों की अगर तुम गलत आदत डालोगे वो उसे पूरे जीवन परेशान करेगी, कि उसे प्राकृतिक रूप में जो शर्करा उपलब्ध है, प्रकृति ने जो पैदा की है, फल में चीकू है, अनार है, इसमें जो इसकी प्राकृतिक शर्करा है ये इतनी नुकसानकारक नहीं है, है ही नहीं नुकसानकारक। प्राकृतिक शर्करा में तुम्हें कहता हूं बिल्कुल नुकसानकारक नहीं है, चाहे वो फल में हो चाहे वो ड्राई फ्रूट में हो। और मैं देखता हूं तुम्हारे पास दवा के लिए पैसा है, डॉक्टरों को देने के लिए लंबे लंबे बिल होते हैं, वो भरने के लिए तुम उधार भी कर लेते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हें फल खाना है तो तुम गरीब हो जाओगे कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। दवा के लिए हम कितना नकारात्मक जीवन जी रहे हैं, देखना तुम, तुम्हारे पास जब समय है तब तुम्हें सत्संग कर लेना है, तब तुम्हारे पास वक्त नहीं है कि चलो कोई अच्छा संघ है जो अच्छा संघ अपने जीवन को उठाने का काम कर रहा है, जीवन का सत्य समझने का जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे संघ के साथ हम भी बैठ जाए, कुछ दिन उसके साथ बिठा दे, उसके साथ बिता दे, वो समय नहीं है तुम्हारे पास, और फिर हार्ट अटैक आएगा, तुम्हें हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, मृत्यु घटेगा घर में, फिर 13 दिन का शोक। इतना हम नकारात्मक जी रहे, इतना नकारात्मक, और फिर हम परमात्मा को गालियां दे रहे, उसके पास मांग लेकर बैठ जाते हैं। जो शरीर हमारे पास है, जो मन, अद्भुत मन की शक्ति है, अद्भुत भावात्मक शक्ति है, भाव की क्या शक्ति है, चलो कि जब तुम्हारा भाव जगता है, ऐसी मनुष्य की ऊंचाई है कि उसे ऐसा हो जाता है कि नहीं, हर जीव आनंद को प्राप्त कर सकता है, हर जीव, और उसके लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा, चलो ऐसी भाव दशा हो सकती है तुम्हारे भीतर कि हर जीव के लिए कल्याण भावना तुम्हारे हृदय में पैदा हो सकती है, और हम घृणा लेकर बैठे, क्या प्रेम की कमी है? कोई कमी नहीं, किसी के पास कमी नहीं। जीवन का ठीक जीने का जो तरीका है वो अगर हमने प्राप्त कर लिया तो परमानंद प्रतिपल है, प्रतिपल हमने अपने को तो ऊपर उठा ही दिया, साथ में अनेक अनेक जीव गति को प्राप्त हो जाएंगे, उसे आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो एक तो जो अप्राकृतिक शुगर है, तुम जितनी कम ले सको, जितनी कम उतनी अच्छी बात है, जितनी कम ले सको, फिर भी मैं ये कहता हूं कि आदत को बहुत अंदर से जानना है, बहुत अंदर से आदत निकलनी चाहिए। मुझे नहीं दिखाना है, ना मुझे कहना है कि मैंने शुगर छोड़ दी या कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने पर काम करना है, ठीक से अपने पर, अपने को ठीक से जानना है, बहुत गहराई से समझना है अपनी सर्व आदतों को कि जो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, जो चीज मैं तुम्हें ऐसा तैयार कर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज तुम्हारी आंख के सामने आए खाने की, तुम्हें पता चल सकता है, शरीर कह देता है कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं। वही मन है, मन अद्भुत शक्ति है, हम मन के पास से कुछ काम ही नहीं ले रहे, मन को पूरा कल मुझे रंजन पूछते थे, खाली मैंने इतना दूर उसे भेजा है, वो कहती थी कि अब मैं चंपल में से धूल न निकालूं तो चलेगा, मैं तुम्हें दिव्यवाणी भी बोल के दिखाता हूं, तुम मुझे कहो कि तुम्हें तुम करो चलो चंपल साफ, मैं तुम्हें नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया भी करके दिखाता हूं और चंपल साफ करके भी दिखाता हूं, चलो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। साधना क्षेत्र में तुम हो, जो साधना समझ रहे हो, मैं तुम्हें कहता हूं शरीर बचाने की चीज ही नहीं है शरीर, और तुम्हारे शरीर के पास अद्भुत शक्ति है,
शरीर संचित शक्ति है आत्मा की, मन संचित शक्ति है आत्मा की, भाव संचित शक्ति है आत्मा की। ये जो संचित शक्ति है उसे उसका संचय करके तुम करोगे क्या? चलो तुम सोचो जरा, शरीर को बचा 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 के तुम कहां ले जाओगे? चलो कहां पहुंचोगे तुम शरीर को बचा बचा के? जाके देखो हॉस्पिटल, क्या है मनुष्य के शरीर का हाल। शरीर का उपयोग कर लेना है, पूरा उपयोग, ऐसा उपयोग कि इससे आगे उपयोग हो ही नहीं सकता। कल्याणमय उपयोग हो सकता है शरीर का, प्रकाश की दिशा में हम शरीर का पूरा उपयोग कर सकते हैं, पूरा। लेकिन मैं तुम्हें मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई जड़ता नहीं दे रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हें सच में शरीर में तकलीफ है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें करना ही है, तुम्हारे पर कोई कंपल्सन नहीं। मैं ऐसा रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूं, ऐसा रास्ता। मैं मजबूरी को स्थान ही देने नहीं, स्थान ही नहीं, स्थान देने में मुझे मैं राजी नहीं। ना समझिए, मजबूरी है तुम्हें जो लगती है जीवन की मजबूरी है, ना समझिए। तुम्हारे पास अद्भुत ताकत है, उसका कुछ उपयोग नहीं है। रोग में जा रही है वो ताकत, रोग में जा रही है। पूरा मनुष्य का जीवन देखो तुम, जो भी मनुष्य आते जाए, यहां आते जाए, वृद्ध लोग आते जाए, युवान इससे वृद्धत्व ऊपर होना चाहिए। युवान को बैठने की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस वृद्ध के पास बैठूं। वृद्धत्व ऊपर जाना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक दिन है तुम्हारा, प्रत्येक दिन जिसे मोक्ष की अपेक्षा है, जिसे परम गति की अपेक्षा है, जिसे परमात्मा के दर्शन की अपेक्षा है, उसका प्रत्येक दिन अगले दिन से ऊपर उठना चाहिए। एक एक कदम की यात्रा है, तुम समझो, एक एक कदम की यात्रा है। धर्म प्रतिपल यात्रा है, प्रतिपल। कल जो भूल हुई थी उसको आज पुनरावर्तित करोगे तो वही आज कल हो गई, आज कुछ और पाना है। नया दिन, नया सूर्य, नई हवा, क्या कमी है आज के दिन में, हम समझने जा रहे हैं डायबिटीज की ट्रीटमेंट। इसके साथ इसका संबंध है कि एक तो शरीर की जो शक्ति है उसका पूरा उपयोग करना है, पूरा। चुस्ती स्फूर्ति में तुम 24 घंटे रह सकते हो, चुस्ती स्फूर्ति में 24 घंटे रह सकते हो, ये तुम्हें खोजना है कि किस तरह से 24 घंटे चुस्ती स्फूर्ति में रहा जा सकता है। मैं बताता हूं, बताता जाता हूं तुम्हें। तो जो अप्राकृतिक शुगर है, चाहे वो खांड हो चाहे वो गुड़ हो, सबसे पहली जो डेंजरस है वो है खांड। खांड और गुड़ में डेंजरस अगर हम गिने तो खांड ज्यादा डेंजरस है। किस लिए? मैं तुम्हें कहता हूं कि खांड जब तुम शरीर में डालते हो, जरूरत से ज्यादा खांड हो जाती है। शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूर है, शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। पूरा शरीर में 80% प्रोटीन है, जो कठोर से मिल सकता है, जो अनाज से मिल सकता है, मग में से मिल सकता है, जो भी कठोर है, चना है, वटाणा है, कठोर सारे, इसमें से ये प्रोटीन मिल सकता है 80%। मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि बुक में से मैंने नहीं पढ़ा है, और कभी जाना भी होगा तो मैं जो याद रह गया होगा उसमें 80 का 90 हो जाए, 6 इस पर नहीं जाना है। लेकिन ये फ्रेमवर्क है, बॉडी का फ्रेमवर्क है। जो बच्चे छोटे हैं उसको चना खिलाना है, काला चना हो या गोरा चना, गोरा चना नहीं कहते, काबुली चना, काला चना खिलाना है मोना को, अपने पोते को, और अपने जैसा बनाना है। लेकिन पेट बड़ा नहीं करना है उसका, तुम्हारा हो गया हो गया, उसे घटाना है। तुम्हें ना कोई गर्भ धारण करना है, तुम चिंता मत करो, पेट को अंदर ले लो। तो जो अप्राकृतिक शुगर है वो क्या करती है तुम्हारे शरीर में, वो हड्डी की ताकत ले लेती है। किस तरह से लेती है? क्योंकि जब अप्राकृतिक शुगर तुम्हारे ब्लड में जाती है तो जो इंफॉर्मेशन है, सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो सेंटर है संतोष दिखाता है, उसके पास गलत मैसेज जाता है। उसके पास मैसेज जा रहा है कि शुगर ठीक है, काफी हो गई, तुम्हारी भूख तृप्त हो जाती है,
चाय तुम इतनी मीठी पी लेते हो, इतनी चाय मीठी पी लेते हो कि ब्लड में शुगर है। देखो समझना किस तरह से गलती हो रही है। तुमने सुबह में बहुत ज्यादा शुगर वाली, गुरु चाय पीता है शुगर वाली, उसमें भी खोज लेता है कि जब बहुत शुगर वाली चाय तुम पी लेते हो सुबह में, अति शुगर डालते हैं लोग, उसमें खाली जांबू ही डालना बाकी है, गुलाब जांबू बनाना हो तो चाशनी में भी वो चाय काम आ सकती है, इतनी मीठी चाय, उसके साथ बिस्किट भी लेते हैं बिस्किट। अब शुगर है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे ब्लड में शुगर है, इतनी शुगर की तुम्हें जरूरत नहीं है, अब घूमेगी वो शुगर पूरे ब्लड में घूम रही है। अब जब तुम रोटी खाते हो, दोपहर की रोटी खाते हो, तुम खा नहीं सकते, भूख लगती ही नहीं, आज के मनुष्य को भूख लगती ही नहीं, वो स्वाद खोज रहा है, स्वाद पर स्वाद डालते जाओ, नींबू डाला उस पर नमक डाला, उस पर लाल मिर्च, उस पर पीला मिर्च डालो डालो, भूख है ही नहीं। उसका कारण है कि अप्राकृतिक शुगर घूम रही है तुम्हारे ब्लड में, इसलिए भूख नहीं लगती, व्यायाम है नहीं तुम्हारा, उठना बैठना बंद हो गया, घुटन में थोड़ी तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने कहा नीचे नहीं बैठना है, चलो जान छूटी, अब अगर बैठे रहो कुर्सी पर बैठे रहो, घुटन और बिगड़ते जाएंगे बिगड़ते जाएंगे, पचाने की क्षमता गई, जब पैर गया समझो पचाने की क्षमता गई तुम्हारी, जब दांत हिला समझ लो गया, आर्टिफिशियल कितने ही बकरी के दांत न खाओ तुम, तुम्हारे पेट से वो क्षमता गई, तुम समझो छोटा बच्चा है उसके दांत नहीं है, तुम लड्डू खिलाओ डायरिया हो जाएगा, यही हालत बुड्ढों की है, बुड्ढों के दांत नहीं है, दांत डलवाए क्योंकि जब दांत थे तो तमाकू डाल डाल के दांत को लाल पीड़ा करके आखिर में दांत चले गए, परमात्मा ने सफेद रंग दिया था तो सफेद ही रखना था, ज्यादा से ज्यादा पीला सोने जैसा लगता दांत, हमने तो काले कर दिए दांत को, और फिर परमात्मा को भेंट कर दिए कि ले तेरा दांत नहीं चाहिए हम और नकवाद। दांत का संबंध पेट के साथ है, पेट का स्वास्थ्य तुम्हारा जितना अच्छा उतने तुम्हारे मसूड़े, तुम 60 साल में भी किसी को बटका भरा हो तो उसको हड़कवा हो सकता है, ना ऐसा करना नहीं है, सुबह सुबह में हिंसा की बात नहीं कर, शिरडी खानी है, शिरडी में प्राकृतिक शुगर है, खुद भी खाना है और बच्चों को भी खिलाना है शिरडी, खुद दांत से खानी है शिरडी, ये प्राकृतिक शुगर कि जो मसूड़ों को ठीक रखती है, हम अप्राकृतिक शुगर खा रहे हैं इसलिए हमारी भूख मरी जा रही है। अब समझना कि तुम्हें जितनी रोटी की जरूरत है तुमने उतनी रोटी ली नहीं, तुम्हें दाल की जरूरत है, दाल भी हम पानी वाली बनाते, पानी वाली दाल, क्योंकि है ही नहीं पेट की इतनी क्षमता ही नहीं, कठोर तो खाते ही नहीं, छूने की इच्छा ही नहीं होती कठोर, सब्जी खाते ही नहीं, हम तेल पीते हैं, सब्जी खाते नहीं हम तेल पीते हैं, देखना तुम मरी हुई सब्जी हमारे पेट में जाती है, मरी हुई जिसमें कुछ है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स पेट में जाए उससे पहले मर जाते हैं, फल का रस निकालते फल को भी मार देते, मिक्सी को विटामिन सी मिल जाता है जिसे जरूरियात नहीं है, फलों के जो मशीन है फल में से रस निकालने के मशीन है वो उसे विटामिन मिलता है जिसे जरूरियात नहीं, हमें विटामिन की जरूरियात है तो हम ऐसे फलों का रस पी रहे हैं जिसमें विटामिन है ही नहीं, उसमें भी हम शुगर डालते हैं, मैंने देखा है ये, वो तो दृष्टि में तुम्हें देता हूं कि कहीं भी जाओ पूरा देखो पूरा समझो कि हो क्या रहा है, किस तरह से मनुष्य खा रहा है, मैंने देखा डायबिटीज के लोग दवाइयां ले रहे, तुम समझना इस बात को, दवाइयां ले रहे शुगर कम हो जाती है उस पर से थोड़ा, डॉक्टर का एडवाइस होता है कि जब ऐसा लगे चक्कर जैसा, क्योंकि दवाई लेते जाते शुगर कम होती जाती है, फिर शुगर खाना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन बढ़ता जाता है, मैं अनेक डायबिटीज के लोगों के साथ रहा, फिर क्या खा रहे हैं तुम समझ, भूख लगी है वगारेला ममरा, खुद तो खा रहे हैं बच्चे को भी सूखा सूखा खिलाते, वो खाखरा
मरे हुए न्यूट्रिएंट्स खाखरा, तुम लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी का भी अर्थ नहीं है भारत में तो लेकिन ताजी रोटी है जो गरम ताजी रोटी तुम अपने बच्चे को खिला सकते हो, खुद खा सकते हो, अलग अलग किस्म की रोटी, मकाई की रोटी हो, गेहूं की रोटी हो, बाजरा की रोटी हो, ये खानी है। तुम्हारी आंत की क्षमता बढ़ानी है, तुम आधी रोटी भी खा सकते हो तो तुम्हें आधी रोटी खानी है और खिलानी है। किसी और को खिलानी है तो आधी नहीं, उसे पूरी दो, लेकिन अपने पेट की क्षमता बढ़ानी है। बच्चों को भी मैंने देखा कि इस तरह से बच्चों का, जब मैं स्कूल में टीचर था, मैं छोटे बच्चों का भी टिफिन देखता था कि क्या भेज रहे, मैंने एक टिफिन अच्छा नहीं देखा, एक टिफिन, उसमें बिस्किट है, बिस्किट में भी कैसे बिस्किट, कि जो आंत के भविष्य में ऐसे रोग होंगे, ऐसे ऐसे हार्ट की तकलीफ कि जिसके कारण माता पिता है उसे समझ ही नहीं क्या बच्चों को देना है, खुद खाना है और खिलाना है। क्रीम वाले बिस्किट बच्चे रोज खा रहे, अब उसका ज्यादा से ज्यादा समय जा रहा है स्कूल में, उसे फिर फरियाद आती है उसका मार्क नहीं बढ़ रहा है, डांटते हो तुम उसे, डांटते हो, वो अपना कॉन्फिडेंस खोता जाता है, उसका कारण है क्रीम वाला बिस्किट, पेट में कोई ताकत है ही नहीं। जहां जिस समय में उसे रोटी खानी चाहिए, जब दांत आए और रोटी चबानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, कठोर खानी चाहिए, अब वो समय में वो स्कूल में गरम रोटी उसे मिलने को 11 से लेकर 5-6 बजे की स्कूल, उसे भूख लग रही है, वो बिस्किट चबा रहा है, बिस्किट खा रहा है, या पैसा दिया है उसे वो बाहर का खा लेता है, बेकरी का आइटम खा रहा है, ठंडा परोठा भी उसकी टिफिन में होता या ठंडी रोटी भी उसके टिफिन में होती, इसमें ज्यादा पोषण है। चलो तुम कल की रोटी खा रहे हो सुबह में और बिस्किट खा रहे हो और खाखरा खाते हो, मैं कहता हूं फर्स्ट प्रेफरेंस ठंडी रोटी। तुम चाय के साथ बिस्किट खा रहे हो और कल की रोटी खा रहे हो, मैं कहता हूं फर्स्ट प्रेफरेंस ठंडी रोटी। चलो कल की रोटी तुमने खाई गर्म चाय के साथ, तो वो रोटी का जो न्यूट्रिएंट्स है उसे गर्म कर देगी और न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिल जाएगा। हमारे शरीर में लोगों के शरीर में इतनी आर्टिफिशियल शुगर है कि जो पोषण शरीर को चाहिए वो पोषण लेने के लिए ब्लड सक्षम नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं कि ब्लड प्रोटीन शोषण कर सके, और प्रोटीन मेन चीज है। पूरा अस्थि तंत्र तुम्हारा जो है, हड्डी, पूरी हड्डी, उसका रक्षण मसल्स करता है, और मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। तुम्हारे शरीर में मसल्स है, और मसल्स खाली बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, हार्ट है, हार्ट मसल्स है, मसल्स का प्रकार है एक हार्ट, पूरा का पूरा हार्ट, स्वयं हार्ट मसल्स है, उसको रक्षण करने वाले और मसल्स है, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे प्रोटीन चाहिए जो कठोर से मिल सकता है, गेहूं से भी मिल सकता है, अनाज से भी मिल सकता है, उसमें भी उसका प्रमाण होता है, कम होता है, कठोर में ज्यादा है। नाइट्रोजन चाहिए शरीर को, वो मिलता नहीं। बचपन से क्यों हो रहा है डायबिटीज, मैं तुम्हें रूट से बताता हूं क्यों हो रहा है। तुम सूखा सूखा पदार्थ खा रहे हो, तुम्हें जब भूख लगती है तुम खाखरा खाते हो, तुम वगारेला ममरा खाते हो, तुम वगारेला पॉपकॉर्न खाते हो, रोटी छोड़ देते हो, तुम भूख ही लगी है, तुम्हें सच में भूख लगी है, इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा तुम्हें, और तुम्हें पूछते ही जाना है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, कि जो मैं खा रहा हूं वो स्वाद के लिए खा रहा हूं या पोषण के लिए खा रहा हूं। मैं ना नहीं कहता, तुम्हें जो स्वाद खाने की इच्छा हो रही है वो इसलिए हो रही है, तुम्हारे भीतर सोडियम क्लोराइड कम हो रहा है, नमक कम है। जब तुम्हें वगारेला ममरा खाने की इच्छा हो रही है, उसकी जो हल्दी है वो भी शरीर को चाहिए, धाणा जीरू चाहिए, ये औषध का काम करता है। जब तुम्हें बुखार आए, बुखार मैं ऐसा नहीं कहूंगा आए, लेकिन आ जाए, ऐसा लगे तुम्हें कि पेट की पाचन क्षमता न रहे जब तुम्हारी, तब लेना है, तब हल्दी वाला ममरा है, धाणा जीरू है, उसमें थोड़ी मरी है, नमक है, ये शरीर को चाहिए, ये औषध का काम करती है, औषध का। तुम ठीक से अगर समझ लो डाइट को, तुम्हें औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ सकती,
क्योंकि स्वयं स्वयं भोजन औषध बन सकता है। ये शरीर को हेल्पिंग एजेंट है, जो दाना जीरू है, मरी है, मिर्ची भी, चलो तीखा स्वाद है वो जरूरी है, लेकिन समझना भूल क्या हो रही है? हरी मिर्च जरूरी, हरी मिर्च। जब तुम हरी मिर्च खाते हो तो पेट में ऐसे जो कीटाणु है पेट के अंदर, वो नाश हो जाते हैं, नष्ट कर देता है, हरी मिर्च है नष्ट कर देता है। जहां भी हरा रंग है, वनस्पति का जो रंग है, समझना इसे, वनस्पति का रंग है, फल का रंग है, प्राकृतिक रंग, ये पूरी चमड़ी है तुम्हारी, जो पूरी हमारी चमड़ी है पूरी, उसका हर एक छिद्र है, उसे साफ करता है, ऐसा एजेंट है उसके अंदर कि वो साफ कर देता है, पूरी चमड़ी को साफ करता है। जो सब्जी हम तेल में इतना रांधते हैं, इतना उबालते हैं, हम रिंगड़े को भी बटेटा वड़ा कर देते हैं, सब कुछ हम बिगाड़ी देखते हैं और फिर खाते हैं। और जो न्यूट्रिएंट शरीर को चाहिए वो मिलता नहीं, भूख लगती है, तुम वगारेला ममरा खा लेते हो। तो शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिलता। जो विटामिन शरीर के लिए एसेंशियल है वो विटामिन मिलते नहीं, क्योंकि जब भी भूख लगती है तुम अस्त व्यस्ती खाते हो, अस्त व्यस्ती खाते। तुम देखना बाहर से जो लोग आए यहां, तुम देखते जाना, उन लोगों को देखते जाना, वो क्या क्या लेकर आए हैं, साथ में नए नए लोग आते हैं, क्या क्या लेकर आते, कि रोटी जहां पर अवेलेबल है, चाहे कच्ची पकी रोटी क्यों ना, कच्ची रोटी है तो उसमें भी गेहूं है, ज्यादा अच्छे गेहूं है, हमारी पाचन की क्षमता नहीं इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, और इसका कारण है अप्राकृतिक शुगर ब्लड में हाजिर है। अप्राकृतिक शुगर होने के कारण जो एसेंशियल, जो शरीर के लिए जरूरी है, कठोर शरीर के लिए जरूरी है जो अनाज, वो ना तो हम खाते हैं ना खा सकते हैं, खाते भी है तो भी पेट में तकलीफ हो जाती है, और फिर शोषण नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, और शरीर दिन प्रतिदिन विक होता जाता है, दिन प्रतिदिन विक होता जाता है। और जैसा तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हारा विक होना शुरू होता है, तुम्हारा मन वो भी डल होता जाएगा, डल। जैसा मन तुम्हारा डल, तुम्हारा भाव शरीर डल, भाव शरीर डल है तो तुम आत्मिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तुम आत्मिक शक्ति कब प्राप्त कर सकते हो, शरीर की शुद्धि क्यों जरूरी है, चलो मैं किस लिए ये बात कहता हूं, मैं कहता हूं शक्ति दोनों ओर से काम करती है, खाली आत्मिक शक्ति ही मिलती रहे तो भी शरीर नहीं रह सकता, और खाली तुम शारीरिक रूप में शक्ति लेते रहो और आत्मिक शक्ति का तुम्हें कोई पता न हो तो भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तुम आत्मिक शक्ति तब प्राप्त कर सकते हो जब तुम्हारा भाव शरीर शुद्ध होता जाए, उससे पहले नहीं। तुम करके देखो, ये बात है कि जैसे जैसे आत्मिक शक्ति की किरणें आती है भाव शरीर पर, वैसे वैसे तुम्हारे भाव शुद्ध होने लगते हैं, विधायात्मक होने लगते हैं। जो अशुद्ध भाव है, नकारात्मक भाव है, उसका इतना ही अर्थ है कि अभी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारा भाव शरीर है वो सक्षम नहीं है। जिस तरह से बाहर के शरीर की क्षमता है, इस तरह से भाव शरीर की क्षमता है। इसके बीच में मन है, मन दोनों ओर से प्रभावित है, शरीर से भी प्रभावित है और भाव शरीर से भी प्रभावित है। तो जब तुम नकारात्मक भाव से गिर जाते हो, उसका अर्थ है भाव अशुद्ध हो गए। वो भाव ऐसे ही अशुद्ध न हुए, पहले शरीर अशुद्ध हो गया, सक्षम न रहा, हमें पता ही नहीं था, पता ही मैं समझा रहा हूं तुम्हें डायबिटीज की ट्रीटमेंट। सबसे पहले तुम, जैसे कि अभी विंटर है, ठंडी की ऋतु है, जहां पर भाजी उपलब्ध हो जाए, प्राकृतिक रूप में तुम्हें भाजी मिलने लगे, सब्जी मंडी में तुम जाओ और भाजी तुम्हें मिलने लगे, तुम्हें भाजी खानी है, हरी भाजी खानी है, हरी सब्जी खानी है। अभी ये समय है सियाड़ा, मेरे मुंह से यही शब्द आ जाता है, सियाड़ा।
हिंदी में क्या कहते हैं मुकेश? सर्दी की ऋतु। सर्दी में मुझे वो सर्दी सड़ेखम याद आ जाते, लेकिन सर्दी चल, विंटर ठंडी की ऋतु। समझना ये है, जब तुम सब्जी मंडी में जाओ और हरी सब्जी जहां उपलब्ध है, जहां प्राकृतिक रूप में, जहां भाजी जब मिलने लगे, तुम्हें भाजी को छोड़ना नहीं है। भाजी अनेक रूप से मदद रूप है शरीर को, अनेक रूप से। जो तुम्हारी आंख विक हो जाती है, आंख विक कमजोर हो जाती है, आंख कमजोर हो जाती है, उसका संबंध पेट के साथ है। पेट के साथ सबका संबंध है, ऐसा है पेट हमारा। अगर शरीर गांव है तो उसका सरपंच हमारा पेट है। वो बिगड़ा तो पूरा गांव बिगड़ जाता है। तो अगर तुम्हारी आंख में बीमारी है, आंख कमजोर है तुम्हारी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। तुम आंख कुछ बात को समझ लो, तुम्हारे हम समझ रहे हैं डायबिटीज, और तुम्हारी आंख अच्छी हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज आंख को भी, तुम्हारे कैटरेक्ट जो है नहीं हो सकता, मोतिया नहीं हो सकता। अगर ठीक से तुम जियो तो मोतिया नहीं हो सकता। लेकिन शुगर जब बहुत बढ़ती है शरीर में तो उसका असर आंख पर भी आता है। आंख कमजोर हो जाती है, आंख में कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है, मोतिया, आंख की जो जीवंतता है वो नष्ट हो जाती है, शुगर नष्ट कर देती है। इसी तरह से मैं एक बात समझाने जा रहा था, बीच से मैंने कट हो गया, वो है मिर्च। हरी मिर्च जरूरी, शरीर के लिए जरूरी। उस जब आंत में कृमि होता है, कृमि उसे नष्ट कर देती है, जीवाणु होता है आंत के अंदर, जीवाणु उसे जो हरी मिर्च है वो नष्ट कर देती है, मार देती है। लेकिन समझो कि जो लोग इतना श्रम करते हैं, यहां मैं जब आया और मैं श्रमिक लोगों को पहले से मैं देखता हूं, पहले से छोटा था तब से सबका मैं डाइट देखता था। पंचायत होता है ना, पंचायतिया स्वभाव होता है। गुरु तब हो सकते हो तुम, तुम्हारा स्वभाव में पंचायत चाहिए। खुद भी करते हैं, खुद की भी करते हैं, औरों को भी करते हैं। वो क्या खा रहा है? अपने रूम में बैठ जाता है फिर भी शिष्यों को छोड़ता नहीं। ऊपर से पता चल जाता है उसे कि चित्रलेखा बात कर रही है फोन पर, ये गुरु। मैं देखता था श्रमजीवी लोग इतना श्रम करते। मैं कहता हूं श्रमजीवी लोगों के पास ठीक से समझो, उससे कोई भी रोग हो ही नहीं सकता। वो क्या खा रहे हैं? तीखा खा रहे हैं, ठीक है चलो तीखा, वो लाल मिर्च। विकले को पूछो कि ये बात सही है कि गलत है। लाल मिर्च उससे पूछो कि कितनी लाल मिर्च महीने में जो रुपया कमाता था विकला, उसमें सबसे ज्यादा रुपया लाल मिर्च ले जाती थी। सब खाते हैं, सब लाल। जो भी श्रमजीवी है उसका श्रम करने के लिए उसे थोड़ा समाधि लगानी है कि चलो दो, जिस तरह से घंटू बैठ जाती है समाधि में, इस तरह से तो खेत में जाना है, उससे काम करना है, उसे जोर चाहिए। मिर्च है वो तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम खा के देखना। मिर्च पेट में गया कि सीधा तुम उठ जाते हो, काम खोजने लगते हो, अपने आप काम होता है। मिर्च जो काम करता है वो तुम्हें त्वरा देता है, त्वरा कर्म की त्वरा देता है। कृष्ण उसे राजसी भोजन में गिनते कि अति तीखा, अति मीठा, अति कड़वा, ये जो सारे स्वाद है वो राजसी भोजन तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा करता है। जो भोजन राजा होने का इच्छा होती है जब तुम्हें कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं प्रमुख हो जाऊं, मैं कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी हो जाऊं, गुजराती हो जाऊं, इंग्लिश, ये भीतर राजा बनने का भाव है कि मैं मुख्य, तुम सारे मेरे अंडर में। सबके अंदर होता है, इसलिए तो मैं ऐसा साम्राज्य खोज रहा हूं जिसमें सब हरी मिर्च जरूरी, लाल मिर्च नहीं। लाल मिर्च शरीर के लिए नुकसानकारक, लाल मिर्च तुम्हारे भीतर सीवियर कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकती है। लाल मिर्च जो है वो शरीर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। नीचे का आंत तुम ऐसा समझो, नीचे का 4 फुट का जो आंत है उसकी क्षमता लाल मिर्च पेट में गई वो क्षमता गंवा देता है। जिसका काम है मल को निष्कासित करना, मल को बाहर फेंकना, स्टूल को बाहर फेंकना, शरीर में से बाहर फेंकना, उसकी क्षमता नहीं रहती।
उसके मसल्स की शक्ति चली जाती है। जब तुम लाल मिर्च खाते हो तो मल को बाहर फेंकने वाली शक्ति है वो चली जाती है, सूखा हो जाता है तुम्हारा आंतरड़ा, सूखा हो जाता है, उसकी शक्ति चली जाती है, लाल मिर्च ले जाती है, लीली मिर्च नहीं लेती। लेकिन जरूरत से ज्यादा लीली मिर्च ले अगर तुम लेते हो तो उसका असर आता है। ये जो पीछे का 4 फुट का आंत है जिसमें मड़ा सह आता है, मल का संग्रह होता है हमारे शरीर में, और फिर वो मल हम त्याग देते हैं, शरीर से निकल जाता है, उसको बाहर फेंकने वाले मसल से। उत्सर्जन तंत्र का ये काम विक हो जाता है। जब तुम लाल मिर्च ज्यादा खाते हो तो तुम्हें पाइल्स का प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना, पूरी भगंदर होने की पूरी संभावना, जो पाइल्स से ऊपर क्या रोग है, मुझसे ज्यादा विकला जानता है, दोनों के बारे में जानता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो श्रमजीवी लोग है उसके पास इतनी समझ चाहिए कि अगर खानी है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है जो लोग खेती कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, जो इतना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उसके पास अगर थोड़ी समझ है कि अगर वो थोड़ा लीला मिर्च उगा सके अपने कुटुंब के लिए, खुद के लिए, अगर खाना ही है तीखा खाने का आपको इच्छा हो रही है तो तुम लीला मिर्च खाना शुरू करो, खाना ही अगर खाना ही है तो लीला मिर्च, लाल मिर्च नहीं, और जरूरत से ज्यादा नहीं। उसका इतना कारण है, जो लीली मिर्च है उसका तुम औषधीय रूप देखो तो वो आंत के अंदर जो जीवाणु है या कृमि है, और कृमि तुम ऐसा वैसा मत समझना, मैंने ऐसे लोगों के साथ रहा जिसका पेट में इस तरह से कृमि हो जाता है कि वो हार्ट में चला जाता है, कृमि इतना लंबा जीव पैदा हो जाता है भीतर, अड़सिया जैसा लंबा जीव, और वो हार्ट के अंदर चला जाता है ब्लड के साथ, और फिर या तो उसे पता नहीं है तो हार्ट की ऐसी तकलीफ हो जाती, उसमें मर भी सकते लोग, ये ज्यादातर गांव के लोगों को होता है कृमि जो होता है, उसे पता नहीं है किस लिए होता है। गुड़ बहुत खाते हैं, गुड़ जरूरी है, गुड़ शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन चामड़ी पर जिसे चर्म रोग है, चामड़ी पर तुम्हें कोई भी रोग है, चढ़ आती है, समझ लो चामड़ी पर चढ़ आ रही है तुम्हें, या मुंह पर तुम्हें खील हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, खील हो रहा है, वहां तुम गुड़ खाओगे, तुम्हारी चिमड़ी चामड़ी जो है चर्म है ऊपर का, ऊपर की चमड़ी जो है बिगड़ेगी, 3 स्तर बिगाड़ देता है गुड़, जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है मिठास की, जितनी जरूरत है। और मैं तुम्हें बताता हूं मिठास का स्थान है मुंह, मीठा जो खाने की इच्छा है, जो स्वाद की इच्छा है, उसकी विद्युत का संबंध मुंह के साथ है, उसे पेट में नहीं ले जाना है, उसे मुंह में रखना है, तो तुम्हें वो नुकसान नहीं हो सकता, तुम्हारा पेंक्रियास खराब नहीं हो सकता और डायबिटीज नहीं हो सकता। डायबिटीज की ट्रीटमेंट कि जब भाजी मिले तुम्हें, भाजी ग्रीन भाजी जब सब्जी मंडी में अवेलेबल है, ग्रीन सब्जियां अवेलेबल है, उसे ठीक से खानी है प्रमाण सर, जितनी जरूरियात है, लेकिन वो सब्जी पेट में जानी जरूरी है, वो पेंक्रियास को पुष्ट करती है। जो पेंक्रियास मनुष्य का विक हो रहा है वो खाली शुगर के कारण नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं शरीर को, और जितनी सब्जी चाहिए उतनी सब्जी तुम लेते नहीं हो, जो गेहूं की रोटी समय सर चाहिए 12 से लेकर 1 बजे का जो प्राकृतिक समय भूख का मनुष्य का, वो संभालना है, जो संभाल सकते हैं उसे ये समय संभालना है। रात का भोजन है वो 9 बजे के बाद नहीं, करना पड़े तो ठीक है, लेकिन तुम आइडियल समय है वो है 8 से 9 बजे तक, लेट से लेट 9। वैसे तो जो कर सकते हैं अगर किया जा सके, जब तक सूर्य हाजिर है, जब तक सूर्य है, पहला प्रेफरेंस है सूर्य है, अभी ढला नहीं सूर्य, और सूर्य हाजिर है तब भोजन को कर लेना उचित है। लेकिन समझो कि अगर आजकल का ऐसा हो गया, हमारा रूटीन ऐसा हो गया,
तो संभालना है कि अगर हम 9 बजे तक भोजन कर ले गर्म, तो ऐसे रोग नहीं हो सकते जिसे हम भयंकर रोग कह रहे हैं। मैं उसमें से भी तुम्हें रास्ता बताता, उसमें से भी तुम अपना शरीर ठीक कर सकते हो। जो लीली सब्जी है, ग्रीन सब्जी, वो पूरे शरीर का जो रुधिर है, पूरे शरीर का रुधिर जो हर एक कोष में जाना चाहिए, हर एक कोष में। और ये रुधिर की जो अशुद्धि है वो साफ करती है। भाजी, ग्रीन भाजी जो है, ग्रीन रंग है, जहां भी तुम ग्रीन, हर रंग का अपना उपयोग है, हर रंग का उपयोग, जो रंग है, वनस्पति का रंग है, अनाज का रंग है और फल का रंग है, और इसमें से जो हम कच्चा खा सकते हैं, कच्चा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मैं ना नहीं कहूंगा, लेकिन किस तरह से हम खा रहे हैं, हम इतने मेकअप के आदि हो गए, इतने मेकअप, अलका खुद मेकअप नहीं करती, लेकिन कारेला को रंगती है, वो काजू नहीं खाएगी, वो कहेगी मैं काजू कतरी बनाऊ, काजू कतरी भी खाओ, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुम काजू खाओ, काजू तुम डायरेक्ट खा सकते हो, तुम सिंग दाना डायरेक्ट खा सकते हो, जो जो चीज तुम डायरेक्ट खा सकते हो और पचा सकते हो, फिर ऊपर से डंका नहीं बजना चाहिए, ओ, 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 ऐसा नहीं हो। अब मुझे शब्द आ गया, हिंदी में डकार कहते, ये तुम्हें भी परेशान करता है और पास वाला भी सो नहीं सकता, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर तुम प्राकृतिक रूप में ले सकते हो, वहां तुम प्राकृतिक रूप में लेना शुरू करो। अगर अंजीर है, अंजीर पाक क्यों, तुम्हें बाजार में से अगर गुरुजी के लिए ले जाना है, त्रिशूला मेरे लिए लाती है, पहले उसे लाने देता हूं, क्योंकि पहले तो रुपया तुम डालो गुरु के चरण में, तो वो आगे काम करेगा, मुझे उसका उपयोग तुम्हें सिखाना है कि तुम रुपया कहां पर डाल रहे हो। चलो तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें अंजीर कम आएगा, 100 रुपये में अंजीर पाक ज्यादा आ जाएगा और अंजीर कम आएगा, हम आधा आधा करके अंजीर खा जाएं, लेकिन समझो इस बात को कि ये जो प्राकृतिक रूप में अंजीर है, वो जो काम करता है पेट के अंदर, वो अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम, लेकिन हमें उसका औषधीय रूप पता नहीं, हम अंजीर को मार देते हैं, उसका बना देते, मिठाई के लिए तैयारी होती है रंजन कि मैं बादाम पाक बनाऊं, अरे बादाम पाक क्यों, बादाम ही खानी है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर तुम 2 बादाम खाओ, उसके साथ थोड़ी शक्कर है, थोड़ी शक्कर, बहुत नहीं, बहुत शक्कर नहीं चाहिए, और वो भी सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस है तुम बादाम डायरेक्ट खाओ, खानी है तो बादाम पाक क्यों, वो सेकंड प्रेफरेंस, अगर खाना ही है, मेरी ना नहीं है, लेकिन तुम समझना कि जहां हम सीधी बादाम पेट में जाती है और वो जो काम करती है, और तुम बादाम पाक बना के पेट में डालते हो, क्योंकि बादाम पाक में क्या होता है तुम समझना, शुगर है, शुगर है और बादाम का प्रोटीन है, दोनों जा रहे हैं, तुम समझना इस बात को, पेट में जा रहे हैं, अब दोनों पड़े, आंत दबकना शुरू होती है, जैसे तुम कुछ भी डालते हो आंत दबकना शुरू होती है, और आंत है वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करता है, उस रुधिर है वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करता है आंत में से। अब क्या होता है, जब शुगर जाती है और बादाम है, प्रोटीन को देर लगेगी पचने में, प्रोटीन देर से पचेगा, देर से उसके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाएंगे, उससे पहले शुगर घुस जाएगी, घुसणखोर है शुगर, वो चली जाएगी अंदर ब्लड में, चली जाएगी, ब्लड की क्षमता कम हो जाएगी, वो उतना एब्सॉर्ब नहीं कर सकेगी, तुमने 5 बादाम खाई है, 5 बादाम का मड़ हो जाएगा, वो तब तक मड़ के मड़ाशय तक पहुंच जाएगा प्रोटीन, क्योंकि क्षमता ही नहीं, ब्लड जो है वो शुगर से भरा है तुम्हारा, तो बादाम है वो जाएगी, तुम बादाम पाक खाते हो, उसमें से जो जरूरी नहीं है, जो हार्ट के लिए भार रूप है, ऐसा पदार्थ चला जाता है तुम्हारे शरीर में, जरूरत से ज्यादा घी चला जाता है, इतने घी की जरूरत नहीं है शरीर को, जितना लोग खा रहे उतने घी की जरूरत नहीं है, जितना तेल मनुष्य खा रहा है उतने तेल की भी जरूरत नहीं, हमारे शरीर में ऐसी क्षमता है हमारे शरीर में कि हमारा शरीर खुद तेल बना सकता है,
तुम कच्चा सिंग दाना खाओ, शरीर खुद तेल पैदा कर लेता है कच्चे सिंग दाने में से, वो मैकेनिज्म हम मार देते हैं। बादाम में से प्रोटीन हम प्राप्त कर सकते हैं, बादाम का तेल है, हम माथे में डालते हैं सिंथेटिक तेल, बाजार में आता है, जो अंदर से जाना चाहिए, जो तुम्हारे वाड़ है, बाल है, हेयर, उसको रूट में से मिलना चाहिए प्रोटीन, रूट में से, ऊपर से तुम हजार घिसो कुछ फर्क होने वाला नहीं है, ये अंदर से जाना चाहिए न्यूट्रिएंट्स, बादाम अंदर से काम करनी चाहिए। ये बादाम तब पहुंच सकती है जब आर्टिफिशियल शुगर नहीं है शरीर में। हम बादाम पाक खा रहे हैं, हम अखरोट पाक खा रहे हैं, गलत तरीका है खाने का। जो न्यूट्रिएंट्स शरीर को जरूरी है वो जरूरी मिलता नहीं, इसलिए तुम्हारा पेंक्रियास वीक हो रहा है, इसलिए तुम्हारा थायराइड वीक है। थायराइड इसलिए वीक है कि जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो शरीर को नहीं मिल रहा है। तुम बिगाड़ के, हम बिगाड़ के खा रहे हैं, हम बादाम भी खा रहे हैं आइसक्रीम के साथ, वो बादाम तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि सबसे पहले शुगर एब्जॉर्ब होगी तुम्हारे शरीर में, शुगर एब्जॉर्ब। आइसक्रीम भी हम किस तरह से खाते हैं, हम आइसक्रीम से पेट भर रहे हैं, आइसक्रीम पेट भरने की चीज नहीं है, और गलत तरीके से खा रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम की ठंडक अगर पेट में गई, आइसक्रीम इस तरह से खाना है कि ठंडा आइसक्रीम पेट में नहीं जाना चाहिए, इतनी ठंडक के साथ आइसक्रीम गया, इसका डायबिटीज के साथ संबंध है। तुम्हारा पेंक्रियास बिगड़ता है, कहां बिगड़ रहा है मैं तुम्हें बताऊं, जरूरत से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हारा पेंक्रियास उड़ा देगा, पाचन क्षमता वीक हो रही है। मैंने ऐसा देखा कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कॉलेजियन जो खा रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ गया, किस तरह से खा रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रईस के बच्चे होटलों में खाते हैं, खाने के बाद थम्स अप पीते हैं। जो लीवर की क्षमता है, जिसके साथ पेंक्रियास जुड़ा है, पेंक्रियास अलग नहीं है, उसका लीवर के साथ संबंध है, लीवर की अपनी क्षमता है पचाने की। तुम पचाने के लिए जितना कम से कम जो पचाने के लिए तुम डालते हो, जो कुछ चीजें तुम पचाने के लिए कि इससे पचेगा, मरी है, इसका बहुत उपयोग नहीं करना है, नहीं तो जो लीवर है उसकी क्षमता कम हो जाती है, पचा नहीं सकते। लीवर के जो लीवर का अपना सिक्रीशन है वो कम हो जाता है जब तुम हर भोजन के बाद, कभी कभी ठीक है कि तुमने कभी तुम होटल में गए, तुमने मजा के लिए तुमने भोजन के साथ थम्स अप लिया, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि इसका जो सोडा है, सोडा ये लीवर की शक्ति को नष्ट करेगा, और लीवर की शक्ति जैसे नष्ट होती है उसके साथ पेंक्रियास नष्ट हो जाता है, पेंक्रियास की शक्ति जा रही है। आज जो डायबिटीज बढ़ रहा है उसका उसका संबंध है खाने का जो तरीका है मनुष्य का, वो गलत है। इतना कोल्ड ड्रिंक्स, इतना आइसक्रीम, जो शरीर का जो आंत है उसका अपना एक टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर पैदा होता है। तुम्हारी होजरी में जब तुम भोजन डालते हो तब टेम्परेचर पैदा होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तोड़ना नहीं है, वो क्षमता है, आंत की क्षमता है। उसके साथ लीवर जुड़ा है, उसके साथ पेंक्रियास जुड़ा है, उसके साथ थायराइड जुड़ा है, उसके साथ हार्ट जुड़ा है। तुम आइसक्रीम अगर बिना समझे खाओगे, बिना समझे, बिना समझे का अर्थ है, मैं कहता हूं दो समय का जो गर्म भोजन खाने का समय है, दोपहर और शाम, रात, उसमें गर्म भोजन लेना है, शरीर में गर्म भोजन जाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं। और अगर खाना ही है, कभी खाने की इच्छा हो रही है, तुम खा लो, उसमें कुछ मत डालो, उस दिन आइसक्रीम खा लो, पहले आइसक्रीम खा लो, अगर खाना ही है तो खा लो, इच्छा बहुत ही हो, प्रगाढ़ होने दो, इच्छा को प्रगाढ़ होने दो, इतने जल्दी कोई मर थोड़े जाने वाला है। और हजार डालोगे तुम मरोगे तब इच्छा वहां की वहां रहेगी, वो जाएगी नहीं, पहले इच्छा को प्रगाढ़ हो। इच्छा तुम्हारी है या कोई भूत काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि खाने की जहां जाए इच्छा है वहां भूत भी आता है, भटकती हुई आत्मा भी आती है।
वो भी हमारा शरीर का उपयोग कर सकती है। मैं इसलिए भूत की बात करता हूं क्योंकि अभी तुम डरोगे नहीं, रात को जब याद आएगा तो तुम डरोगे, तो उसमें डर बाहर निकालना है, रात को डर भीतर रहने नहीं देना है, उसका पेंक्रियास पर असर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है। अगर भय बहुत अंदर रहता है, कहां होता है भय, पेट में, देखना। तुम जब रात को, सागर को पता है कि डाकण जब चिल्लाती है, हाँ सुबह में चिल्लाती है तो पता है कि हाँ ये तो शायद, हाँ हो सकता है कि वो यहां पहुंची हो, उससे पहले कहीं रुकी हो, वहां उसने डायनेमिक किया हो रात को, तो पहला धक्का लगता है। कोई और चिल्लाता है तो भी जो पहला धक्का लगता है कहां लगता है, पेट पर लगता है। भय जो है, चिंता जो है, जो महाभयानक रोग हम गिनते हैं एड्स तक, उसके साथ इसको संबंध है कि भय है, उसको बाहर निकलते जाना है, भय को धीरे 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 धीरे, मैं तरीका बताता जाऊंगा कि किस तरह से भय को, भय का रेचन करना है, भय को बाहर निकालते ही जाना है, निकाल जहां पर भी भय, जिस रूप में भय, जिस रूप में भय है उसको बाहर निकालते ही जाना है, और जो भाव शरीर है उसको शुद्ध करते ही जाना है, करते ही जाना। हम समझ रहे हैं डायबिटीज की ट्रीटमेंट, सियाड़ा का समय, ठंडी ऋतु, भाजी खाना है। इसमें एक बात बताऊं, एक भाजी आती है जिससे हम पात्रा बनाते हैं, हिंदी में पात्रा को पात्रा ही कहते, मुझे पता है कि शायद मुकेश लाया था पात्रा, या अलका को बहुत पसंद है पात्रा। पात्रा की जो भाजी, इसमें इतना कहूं, पात्रा की जो भाजी, इसमें जो भाजी हम यूज कर रहे हैं उसमें कैल्शियम का प्रमाण है, कैल्शियम का प्रमाण। तो जिसे किडनी की तकलीफ है, या हम जो रहते हैं, हम लोग जो रहते हैं इस प्रदेश में, इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है पानी में, तो ऐसा प्रदेश है जहां पर इस तरह की भाजी को नहीं खाना है। स्वाद के लिए कभी एक आध पात्रा खा लिया ठीक है, लेकिन कंटिन्यू पात्रा नहीं खाना है, क्योंकि उसका जो कैल्शियम है शरीर में जमा होता है और किडनी में वो स्टोन को बढ़ाता है, इसलिए इस भाजी को छूना नहीं है। पात्रा की भाजी याद है अलका, कौन सी भाजी? हाँ, अड़वी के जो पान होते उसमें कैल्शियम का प्रमाण होता है, तो कैल्शियम वाली भाजी है, अड़वी की भाजी को नहीं खाना है। बाकी ये जो पालक है, तांदड़जा है, तल की भाजी है, राई की भाजी है, उसका उपयोग करते जाना है, करते जाना, और देखते जाना है कि आपका शरीर कितना सूटेबल है। और इसके साथ सब्जी जो है, रिंगड़ है, जो भी मिलती है ग्रीन सब्जी, काली सब्जी खाने से तुम काले नहीं हो जाओगे, तुम डरो नहीं। ठीक से हम सब्जी का रूप नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्जी का जो औषधीय रूप है वो शरीर को प्राप्त नहीं होता है। हर सब्जी को खाना है, जितना भी तुम खा सको, धीरे धीरे उसे बढ़ाना है। जो यंगस्टर्स है, बालिका को चश्मा उतरना ही है, उतारना ही है। निंजा को चश्मा की तकलीफ, आंख की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे ठीक से सब्जी खानी है। अभी इस ऋतु में भाजी खानी है, सब्जी खानी है, हरी भाजी खानी है, रोटी कम खाए तो भी चलता है, लेकिन भाजी को खाना है। आपका पेट ठीक से साफ होना है पेंक्रियास को ठीक करने के लिए। और जब कारेला की ऋतु आती है, कारेला की ऋतु आती है, उसमें कारेला खाना है। मैं कहता हूं 3 दिन में एक बार, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ब्लड शुगर है पूरी नष्ट हो सकती है, उसमें से तुम बाहर निकल सकते हो 3 दिन में एक बार। जो चौमासा का 4 महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब कारेला नेचुरल रूप में अवेलेबल है तब कारेला खाना है 3 दिन में एक बार। सेकंड प्रेफरेंस है 7 दिन में एक बार, इससे आगे थर्ड प्रेफरेंस है ही नहीं, कारेला खाना ही है। और कारेला औषध के रूप में किस तरह से खाना है, जो लोग उसका कड़वा स्वाद ले सकते हैं, जिसके पास क्षमता है, वो कड़वा स्वाद जितना तुम डालो डालो, उसके साथ और कुछ नहीं डालना है। अगर ज्यादा से ज्यादा डालना है तो थोड़ी दाल की मदद लेनी है, लिक्विड रूप अगर तुम्हें चाहिए। देखो किस लिए कारेला काम नहीं कर रहा है मनुष्य को औषध के रूप में, मैंने देखा है कारेला कोई खाता ही नहीं, और कारेला खाता है तो क्या पता भी नहीं चलता कि ये कारेला है या मलाई सैंडविच है, इतना मीठा कर देते इतना कारेला को। ये औषध
तुम मार देते हो और फिर कहते हो कि आयुर्वेद से कुछ होता नहीं। आयुर्वेद के लिए शरीर शुद्ध चाहिए, तुम्हें तरीका चाहिए लेने का, औषध को लेने का तरीका चाहिए। कि करेला अगर तुम लेते हो तो एक भोजन, तुम दोपहर का एक भोजन, कम से कम एक भोजन में कुछ भी मत डालो, सिर्फ रोटी और करेला। इसी तरह से जब तुम भाजी खाओ, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है और भाजी अवेलेबल है, जब तुम रोटी के साथ भाजी को खाओ, और चीजों को छोड़ दो, और चीजों पहले आंत को ठीक करो। मैं तुम्हें सब कुछ खिलाना चाहता हूं, नॉनवेज नहीं कहूंगा, क्यों नहीं लेकिन वेजिटेरियन तुम खाओ, मैं तरीका सिखाता हूं कि तुम स्वाद ले सको लेकिन शरीर बीमार नहीं होना चाहिए, पसीने में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, निष्कासित पदार्थ में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मलमूत्र में से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, सर्दी सड़ेखम नहीं होना चाहिए, कफ नहीं होना चाहिए, कफ प्रकट नहीं होना चाहिए, कफ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हें, बुखार नहीं आना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए। खाओ, तुम खाओ लेकिन इस तरीके से खाओ कि तुम बीमार नहीं होने चाहिए। तुम्हारी जीवन की जो शक्ति है उसका अद्भुत उपयोग हमें करना है, चाहे वो मन हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो भाव हो। तो जब करेला अवेलेबल है तब रोटी और करेला, यही भोजन, उसके साथ कुछ भी मत मिलाओ। और जिसकी जितनी क्षमता, जितने कम तेल के साथ तुम करेला खा सकते हो औषध के रूप में, तुम करेला खाओ। ब्लड शुगर तुरंत मेंटेन करता है, तुरंत मेंटेन। मैंने मेरे शरीर पर देखा कि इतनी जल्दी से एक शुगर को हटा देता है ब्लड से, कि अगर तुम्हारे ब्लड में ठीक से शुगर नहीं है तो तुम्हें चक्कर भी आ सकते, इतनी शुगर डाउन कर देता है, इसकी इतनी क्षमता है। इसके साथ जो करेला की क्षमता है, जो चामड़ी का कोई भी रोग हो, आपके भीतर चामड़ी का रोग है, कोई भी चर्म रोग, कोई भी स्किन डिजीज, करेला मिटा सकता है। और चर्म रोग जो पैदा हो रहा है उसका जो खास समय है वो बेज वाली ऋतु या ठंडी ऋतु, जिसमें शरीर की जो चमड़ी होती है वो शुष्क हो जाती है, या ऐसी मौसम के जिसमें पसीना होता है, गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, चिकनापन आ जाता है चमड़ी पर, और तुम्हारे ब्लड में शुगर है वो बाहर आती है, तो चर्म रोग होता है। तो करेला अगर दो दिन के बाद, तीन दिन में एक बार करेला खाया जाए, ब्लड शुगर मेंटेन हो सकती है। इसके साथ एक उपाय है कि जिसके जिसको तकलीफ है, ब्लड शुगर की तकलीफ है, वो 8 से 10 नीम का पत्ता, जब सूर्य प्रकट हो, जब सूर्य प्रकट हो जाए, क्योंकि चोरी नहीं करनी है, जो औषध है, औषध का रूप है वो सात्विक रहना चाहिए। नीम का पेड़ तुम निर्जीव मत मानना, कुछ भी निर्जीव नहीं, और नीम का पेड़ जो जानते हैं उसे ही पता है कि नीम का पेड़ क्या है। भारत के लोग नहीं जानते, अमेरिका के लोगों को पता है कि नीम का क्या अर्थ है, नीम क्या है और कितनी उसकी ताकत है, औषधीय रूप में कितनी ताकत। इस तरह का पेड़ है, मैं आगे बताता हूं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है नीम के पेड़ की कि खाली आप इसके नीचे थोड़ी देर बैठो, आपकी नकारात्मक शक्ति नीम का पेड़ तोड़ देता है। स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो बहुत बीमार रहते हैं, जो लोग बहुत बीमार है रहते हैं, मैं दृष्टिकोण देता हूं ऐसा कि जिसके पास बड़ा बंगला हो, जिसके पास जमीन है, अभी बंगले में भी जमीन है, तो कम से कम एक नीम का वृक्ष चाहिए घर में। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य शरीर के रूप में भी वो स्वास्थ्य देती है, मन को भी शुद्ध करती है, भाव शरीर को भी शुद्ध करती है, स्वस्थ करती है। इतनी ताकत है नीम के पेड़ में। और ऐसा नहीं कि तुम पास में ही बैठो, नीम का पेड़ तुम डालते जाओ, जहां तुम रहते हो उसके आसपास अगर नीम का पेड़। मैं इसलिए कहता हूं कि आदिवासी लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो जंगल में रहते हैं, ऐसी खड़तल प्रजा है कि जो जंगल में रहती है, तो उसका एक झोंपड़े के पास एक नीम का पेड़ चाहिए, बावड़ का पेड़ नहीं, बावड़ नहीं। बावड़ है, ठीक है, सुरक्षा के लिए अगर हम जो खेत है, वाड़ी है, उसके आसपास ये लोग बावड़ की वाड़ करते हैं, कांटे वाली वाड़ करते, वो ठीक है, लेकिन घर के पास
वाड़ के रूप में ठीक है बावड़ कि तुमने उसका कांटे डाल दिए, लेकिन वृक्ष के रूप में जो बावड़ है वो योग्य नहीं। देसी बावड़ ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बावड़ ठीक नहीं। इस तरह से मैं कहता हूं कि जो जब तुम संपत्ति लो, जब तुम जमीन ले लो अपने नाम की, ये जमीन अब मैं मेरे नाम लेता हूं, जब तुम्हारे नाम जमीन आ जाए फिर उसमें बावड़ नहीं रहने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बावड़ नहीं रहने चाहिए, उसमें नीम हो, पिपड़ा हो, वड़ हो, ऐसे वृक्ष भी अगर तुम्हारी जमीन स्वरूपी संपत्ति है उसमें रहने चाहिए। इसमें जो नीम है उसका बहुत डायबिटीज जिसे भी है या और कोई भी रोग है, कोई भी रोग, तो नीम का जो वृक्ष है वो हर तरह से स्वास्थ्यप्रद है, वो स्वास्थ्य देता है। जिस जगह पर हम रहते हैं वहां भी नीम के वृक्ष है, तो नीम के वृक्ष की इलेक्ट्रिसिटी वातावरण को शुद्ध करने में काम आती है। नीम की जो क्षमता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की और ऑक्सीजन देने की, ऑक्सीजन जो जो नीम के पेड़ से निकलता है उसकी क्षमता सब वृक्षों से ज्यादा है, और उसमें से स्वास्थ्यप्रद तरंग आते हैं। अगर नीम के वृक्ष के पास तुम बैठ के गहरा सांस लो तो तुम स्वास्थ्य, ज्यादा रिच ऑक्सीजन शरीर में जाता है और स्वास्थ्य देता है। सुबह का समय है, जो कर सकते हैं जिसे ब्लड शुगर की तकलीफ है, सुबह में कम से कम मिष्ठान वाली चाय लेनी है, कम से कम जितना तुम संकल्प के साथ, और जैसे जैसे उम्र बढ़े, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ी हो ऐसा समझो, आफ्टर 40 40 साल के बाद मिठाई खुद चाखनी है, मिठाई को बांटनी है। जयु को पता होगा कि उसके बने भी अभी आए, वो कुछ बंगाली मिठाई लेकर आए थे, मैंने सबके सामने ही लूंगा, सबके सामने ही लेना है। बंगाली मिठाई में से मैंने शिष्यों के लिए तो कुछ आया ही नहीं, मोहना इतना ऊपर चक्कर लगाता है उसके मुंह में मैं कुछ ना कुछ डालता हूं, लेकिन बंगाली मिठाई मैंने नहीं डाली, सब मैं खा गया तो मैं कह देता हूं। लेकिन मिठाई अकेले खाने की चीज नहीं है, तुम भी अनुभव करो और जानो। मिठाई आफ्टर 40 बांट देनी है, खुद ही नहीं खानी है। जितना तुम्हारा संकल्प ठीक है, जितनी आर्टिफिशियल शुगर तुम कम शुगर वाली चाय पियोगे, और चाय ज्यादा से ज्यादा 2 कप, ज्यादा से ज्यादा ठीक से चाय पियोगे तो 1 ही बहुत है, लेकिन ठीक से मैं भी नहीं पीता, तुम भी नहीं पीते, तो 2 कप ठीक है, लेकिन 2 कप से ज्यादा इस स्थान से मैं नहीं बोल सकता। बोलने जाता हूं कि चलो 3 नहीं बोल सकता। तो सुबह में जब सूर्य बाहर आए 8 से 10 पत्ता तुम नीम का खा लो, डायरेक्ट खा लो, उसको पानी से थोड़ा साफ कर लो, क्योंकि उस पर पंछी की चरक होती है, मल होता है उसका, तो उसको ठीक से साफ करके उसके 8 से 10 पत्ते चबा जाओ तुम रेगुलर। इसमें खाली देखना है, इतना है, जो नीम की ट्रीटमेंट करते हैं, जो नीम को चबाते उसे इतना देखना है। उसके आसपास शक्कर नहीं खानी है, खांड नहीं खानी है। अगर उसके आसपास तुम शक्कर वाली चाय पियोगे तो औषध के रूप में वो तुम्हें काम नहीं आ सकती। ऐसा हो सकता है कि सूर्य अभी 7 बजे निकलता है, 7:30 बजे आता है, और तुम 5 बजे चाय पी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक वो शुगर चली जाएगी, और उसके बाद जिसे तकलीफ है उसे 8 से 10 पत्ता ले लेना है नीम का, और नीम के पत्ते में इतनी ताकत है कि वो शुगर को तुरंत डाउन करता है, तुरंत को। इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि अगर नीम का पत्ता लेने के बाद तुम्हें चक्कर जैसा लगे, चक्कर तो और कोई कारण नहीं है, शुगर कम हो गई है, तुम थोड़ा आराम कर लो, लेफ्ट हैंड साइड शरीर को तुम सुला दो, थोड़े आराम कर लो, शुगर मेंटेन कर लेगा शरीर, अपने आप मेंटेन करता है, और फिर तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, शुगर का लेवल ठीक हो जाएगा। और जो एक बात इसके साथ जुड़ती है, डायबिटीज की ट्रीटमेंट के साथ जुड़ती है, वो है उच्छ्वास की प्रक्रिया। अलग मैं समझाता हूं, लेकिन डायबिटीज के साथ इसको समझना है कि जो मैं 3 बंद और 4 प्रक्रिया बताता हूं, सुबह में करने की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की प्रक्रिया है। उच्छ्वास को बाहर छोड़ो और दाढ़ी को अडाओ गर्दन के साथ, जब तक क्षमता है तुम उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो, दाढ़ी को
टच करवाओ, अभी भी कर सकते हो तुम, जो नहीं जानते वो अभी भी कर सकते हैं मेरी हाजिरी में। ये पहली प्रक्रिया उच्छ्वास संबंधित। सेकंड प्रक्रिया है उच्छ्वास को बाहर छोड़ो और पेट के स्नायु को अंदर खींचो। ये सबको करना है, ये सबको सीखना ही है, ये बेसिक एक्सरसाइज है बेसिक। मैं बाद में तो कोर्स ही धीरे धीरे पूरा कोर्स में इसका कि बेसिक एक्सरसाइज में क्या क्या है और क्या क्या तुम्हें सीखना है। क्योंकि अगर तुम पेट का अंदर लेना नहीं सीखोगे, पेट को अंदर, तो आंत धीरे 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 तुम्हारे पेट के स्नायु कमजोर होते जाएंगे और आंत बाहर निकलने लगेंगे, आंत बाहर की ओर आते जाएंगे। और इसका खाली डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं, तुम्हारे जोड़ों के जितने भी रोग है, जोड़ों के रोग है या जो बैकबोन के रोग है, डिजीज है, जो स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज है, इसका संबंध इसके साथ कि तुम्हारे पेट के मसल्स कमजोर हो रहे। तो उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, पेट के स्नायु को अंदर खींचो। जिसे डायबिटीज की तकलीफ है उसे ये करना है, जिसे नहीं है उसे करना है। क्योंकि हम शक्ति को ऊर्ध्वगामी रूप में उसका सही इस्तेमाल करना चाहते, जीवन की शक्ति नष्ट करनी नहीं है, हमें उसका उपयोग करना है। और जो तीसरा बंध है, तीसरी बार उच्छ्वास को बाहर छोड़ो और मल द्वार और मूत्र द्वार के स्नायु को ऊपर खींचो और ऊपर टिकाए रखो जब तक क्षमता है। उच्छ्वास को बाहर छोड़े रखो और मल मूत्र के स्नायु को ऊपर खींचो और ऊपर टिकाए रखो। इसका भी संबंध पेंक्रियाज और लीवर से है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे स्नायु कमजोर हो जाते हैं। सारे ऑर्गन्स के साथ स्नायु है वो कमजोर हो जाते हैं। ये तीन बंद ऐसे बंद है कि जिसके साथ तुम जब तक जियोगे, जब तक तुम्हारे भीतर के जो स्नायु है, सूक्ष्म स्नायु, जिसकी मैं आगे बात करूंगा, सूक्ष्म स्नायु का हमारे भावात्मक शरीर के साथ क्या संबंध है, जीवन के साथ क्या संबंध है, अंदर का शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसके साथ ये तीन बंद का संबंध है। कि ये तीन बंद सबको पता होना चाहिए कि इस तरह से सुबह में करना है। और चौथी प्रक्रिया है जिसमें उच्छ्वास को बाहर छोड़ना है और तीन बंद एक साथ लगाना है। दाढ़ी को टच करना है गले के साथ, पेट को अंदर खींचना है, पेट को अंदर की तरफ खींचना है। इसमें इतना देखना है कि पेट को जब आप अंदर की तरफ खींचो तब दुखावा नहीं होना चाहिए, और अगर दुखावा हो रहा है तो उससे आगे अंदर नहीं खींचना है। और तीसरा बंद मल मूत्र के स्नायु को ऊपर खींचना। ये तीनों बंद एक साथ लगाओ उच्छ्वास में। ये सुबह में भी एक बार प्रक्रिया कर सकते हो और शाम को भी ये प्रक्रिया कर सकते हो। इससे भी जो पेंक्रियाज है उसकी जो सिक्रीशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। व्यायाम में भी मैं अलग रूप में आसन है, कौन से आसन इसमें हेल्पफुल है कि जिससे तुम्हारी ब्लड शुगर मेंटेन कर सकते हो वो भी समझाता हूं। और समझना ही है जिसके कारण हम शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, मन का स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, भाव का स्वास्थ्य प्राप्त कर सके और पूरे जीवन का स्वाद हर मनुष्य ले सके। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहें, हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहें, सर्वत्र हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहें।